मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद आजकल अपनी ही पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने मकर संक्रांति पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही इस फैसले पर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। आरिफ मसूद ने कहा है कि कांग्रेस सभी धर्म को मानने वाली पार्टी है, पार्टी को अपनी विचारधारा से हटना अच्छा नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन पार्टी के मुसलमानों के लिए रोक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा सभी धर्मों को मानने वाली है। हम कांग्रेस में इसलिए आए हैं क्योंकि वह सबको साथ लेकर चलती है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर आरिफ मसूद ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से हटना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेश के सभी जिलों में महिला कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करा चुके हैं। दिग्विजय सिंह भी अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हालांकि हिंदुत्व से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस की इस पूरी कवायद को देश के बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।